हेलो एंड वेलकम टू सनाज हर्ब्स एंड नेचर। सनाज हर्ब्स एंड नेचर में आपका स्वागत है। सो आज का ये जो वीडियो है, दिस इज़ आफ्टर द न्यू फेसबुक अपडेट, वेयर टू फाइंड कोड जनरेटर। कोड जनरेटर हम कहाँ से लाएं ताकि हम हमारे लैपटॉप या हमारे हमारे डेस्कटॉप पे हम कैसे लॉग इन करें। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हमें कोड जनरेटर ढूँढना है। यह है फेसबुक। अगर आपको फेसबुक का आइकन दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, आपको सबसे पहले फेसबुक के आइकन पे क्लिक करना है ऑन योर फ़ोन। अब आपका फेसबुक खुल गया है। ये जो मैं प्रोसीजर बता रही हूँ, ये फ़ोन का प्रोसीजर है। तो अगर आप देखें, वहाँ पे तीन लाइन आपको दिखेंगी, जहाँ पे आपका मैसेंजर का आइकन है उसके नीचे ही तीन लाइन आपको दिखेंगी। अब आपको उस तीन लाइन पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया। अब आप ये आपका पेज देख पाएंगे। आपको बस इतना करना है कि नीचे स्क्रॉल करना है। आप नीचे जब स्क्रॉल करते जाएंगे, तब आपको एक ऑप्शन दिखेगा, दिस इज़ द न्यू अपडेट। तो ये अब ऐसा दिखता है। अगर आपने अपना फेसबुक अपडेट नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड अपडेट इट। देयर यू गो। अब आपको ऑप्शंस दिखेंगे, हेल्प एंड सपोर्ट, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर जो आपको ड्रॉप डाउन दिख रही है, नीचे जो एरो दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। नीचे आप देखोगे कि लॉग आउट का भी ऑप्शन है, पर हमको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो वो जो बाजू का एरो है वो अभी अपवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। एक बार आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। अब आप देखोगे कि अकाउंट सेक्शन के नीचे तीन ऑप्शन है, पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी और पेमेंट्स। आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे अगला पेज जो अभी डिस्प्ले होगा, ये है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में हम आ गए हैं नीचे। आपको इसमें नीचे अगेन इसको नीचे आपको स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको दिखेगा। उसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन है यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेकंड ऑप्शन है कोड जनरेटर, थर्ड ऑप्शन है ऐप पासवर्ड्स एंड देन ऑथराइज लॉगिन्स। ये हमने कोड जनरेटर पे क्लिक कर दिया है एंड आपको ये 6 डिजिट का नंबर वहाँ दिख जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ ये 6 डिजिट आपको अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे डालने हैं, जिससे आप लॉग इन कर सकते।